अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे मुल्क में बेरोजगारी तारीखी मियार पर पहुंच चुकी है। महंगाई ठप कारोबार पर वैसे भी कोई बोलना नहीं चाहता, जबकि महंगाई बेरोजगारी ठप कारोबार बंद फैक्ट्रियां तकरीबन दरमियानी क्लास के लोगों से जुड़ा हुआ रोजमर्रा का सवाल है। पर सभी को दिलचस्पी हिंदू मुस्लिम से है। मजहबी मामले में बेवजह दखल देने की नई रस्म जारी हुई है, लिहाजा इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। इख्तदार पजीर अपना तसल्लुत अपना रसूख इस्तेमाल कर इंतजामिया पर दबाव बनाना चाहती है, और बहुत कम पुलिस अफसर होते हैं जो इंतजामिया के दबाव में काम नहीं करते। वरना तो उमूमन कोई सियासी लीडरों से उलझना नहीं चाहता। बेलगाम हुबली जैसे शहरों में अफसरान कुछ दे लेकर अपना तबादला भी करवाते हैं ताकि कमाई के साथ आराम भी मयसर हो जाए। आपको बेलगाम जैसे शहर में कई ऐसी कॉलोनियां बनती जा रही हैं जहां पर वसीफे आप तैन के रिटायर्ड सरकारी अफसरान ने हमेशा का कयाम इनकी यहीं पर वो रिहाइश पजीर हुए हैं। खैर, आज इस मौजू पर तबसरा इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि बेलगाम जैसे पुरान शहर में कत्ल की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। आज हुबली में वास्तु के माहिर चंद्रशेखर गुरुजी का कत्ल सामने आया हुआ है। यहाँ कुछ अजनबी लोगों ने एक होटल में गुरुजी पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें इनकी मौत हो गई। हुबली के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चंद्रशेखर गुरुजी प्रेसिडेंट होटल में ठहरे हुए थे और कुछ लोगों ने उन्हें लॉबी एरिया में बुलाया था और पैर छूने के बहाने हमला कर दिया। इस कत्ल के बाद हंगामा हो गया और कातिल कौन हो सकता है इस पर भी बहस तबसरे जारी हुए। कत्ल की वारदात होटल के सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में कातिलों को गिरफ्तार किया, तो इसके भी तार बेलगाम रामदुर्ग से जुड़े होने की इत्तला हासिल हुई। सड़क पर जेसीबी को लगाकर फिल्मी अंदाज में रामदुर्ग से मानते शिरूर और मंजुनाथ दुमवाड़ को गिरफ्तार किया गया। आपको इस बात पर भी हैरानी होगी कि इस मामले को तक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश भाजपा संघीय आईटी सेल की जानिब से की गई। इस कत्ल के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने का नैरेटिव भी चलाने की कोशिश जारी रही। खैर, अब मामला प्रॉपर्टी का होने की बात सामने आ रही है। अब पिछले कुछ वारदातों का जिक्र करेंगे तो बेलगाम शहर अतराफ में जुर्म का मियार यानी कि जुर्म का ग्राफ कैसे बढ़ता जा रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे पुलिस की जानिब से कुछ राउडी शीटर्स के घरों पर छापे मार दिए गए या फिर विशाल सिंह चौहान के पांव पर एसीपी नारायण बर्मनी ने गोली चलाकर मुजरिमों के दिलों की धड़कनें जरूर तेज करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तेजी से जुर्म बढ़ता जा रहा है अवाम भी कुछ हद तक डर खौफ के साए में देखी जा रही है। आज फिर एक बार मुतगा गांव में बिना सर के धड़ को बरामद किया गया जिससे और एक बार दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कत्ल की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। महज एक दिन पहले समर्थ नगर रेलवे ट्रैक के करीब हुसैन शेख की लाश बरामद हुई थी। अब तक खुदकुशी या कत्ल इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी हमने अरबाज कत्ल मामले में देखा था कि कैसे कत्ल को अंजाम देकर टुकड़े किए गए और रेल के पटरियों पर खुदकुशी साबित करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा कत्ल का मामला निकला जिसकी चर्चा मुल्की सतह पर जारी रही। इससे पहले भी गौंडवाड़ गांव में देवस्थान की जगह को लेकर सतीश पाटिल का कत्ल किया गया जिससे पूरा गौंडवाड़ गांव जल गया, गाड़ियां मकान जलाए गए। अगर पिछले 2-3 महीने का जायजा लिया जाए तो 8 से भी ज्यादा कत्ल की वारदातों का जिक्र किया जा सकता है। 15-20 साल पहले बेलगाम में गैंग वार हुआ करता था। कब कहां पर किस गिरोह का हमला हो जाए और बीच सड़क पर किसका कत्ल अंजाम दिया जाए इसका अंदाजा भी नहीं हुआ करता था। गैंगवार का दौर भी बेलगाम शहर ने देखा, पुलिस की कार्रवाई एनकाउंटर भी इसी शहर ने देखे। एक बार फिर कुछ इस तरह का दौर देखने को मिल रहा है, पर अब इसका पस मंजर कुछ अलग है। सुपारी किलिंग, रियल एस्टेट एजेंटों या जमीनी तकरार, गुंडागर्दी के जरिए किसी की जमीन पर कब्जा करने की बढ़ती वारदातों के साथ गांजा पन्नी भी बढ़ते कत्ल की वारदातों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब कुछ जगहों पर क्या पुलिस भी मैनेज हो जाती है का शक अवाम के जहनों में है। आखिर पिछले 2-3 महीनों में बढ़ती कत्ल की वारदातों से क्या बेलगाम मर्डर जोन बनता जा रहा है? इस तरह का भी ख्याल आम अवाम के जहन में गश्त करने लगा है। मुख्तलिफ किस्म के जुर्म वजूद में आ रहे हैं, पैसों को लेकर कोई भी किसी भी हद तक कब फरेब धोखा दे जाए। कुछ पढ़े लिखे नौजवान तक नौकरियां न होने की वजह से चोरी डकैती के साथ गलत कामों में मुलविस होते देखे जा रहे। एक वजह यह भी देखी जा रही कि ऐश परस्ती के आदि होते नौजवान आसान रुपए कमाने के रास्ते तलाशते हुए जुर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। नौजवानों को एक बात जहनशीन कर लेनी चाहिए कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लिहाजा ईमानदारी मेहनत के जरिए ना सिर्फ हलाल बल्कि कामयाबी भी इन्हीं रास्तों पर हासिल होती है। जल्द अमीर बनने का ख्वाब, फिल्मी अंदाज में जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशें कब इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है समझ में नहीं आता। खैर, बढ़ता जुर्म का ग्राफ पुलिस इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्र जरूर है। सुपारी लेकर कत्ल की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह भी सरगर्म हो चुके हैं। आज का चंद्रशेखर का कत्ल भी इसी पस मंजर में देखा जा रहा है। आज जो लाश मुतगा गांव के कुएं से बरामद हुई है इसकी तहकीक को तफ्तीश जारी है।
मार्च महीने से लेकर अब तक रियल एस्टेट एजेंट राजू दोड्डनवर का कत्ल मंडोली रोड पर मिर्च की पाउडर आंखों में डालकर किया गया। बड़ी वाले कुंदरी के करीब कपड़ों की मिल के पास मामूली बहस की वजह से कत्ल को अंजाम दिया गया। किला तालाब के करीब घरेलू मामले में हीना कौशर नदाब का दिन दहाड़े उसी के शौहर ने कत्ल किया। वड़गांव में शंकर पाटिल जो गौड़ी काम करता था इसका कत्ल किया गया। एल्लूर सुलगा के करीब इसी दौरान कत्ल को अंजाम दिया गया जिससे मारकर झाड़ी में छिपाया गया था। जेब में मिले कागजात से मंडिया का ए नवीन कुमार से शनाख्त हुई। मई महीने में ज्ञानेश्वर कामानाचे का विजयनगर में कत्ल किया गया। ज्ञानेश्वर हलगा गांव का था जो मैकेनिक का काम करता था। मामूली वजह कत्ल में तब्दील हो गई। कंगराली में इसी तरह कत्ल हुआ। लिहाजा तमाम मामलों की फहरिस्त को देखते हुए आखिर कोई कातिल इतना बेखौफ कैसे हो सकता है। कई मामले घरेलू थे तो कई पैसों के लेन देन की वजह से हुए तो कुछ पेशावर कातिलों की। लिहाजा अक्सर कातिल हमारे ही माशरे का हिस्सा होते। आखिर जुर्म की ये लकीर यूं ही तवील होती जा रही है। अब सबसे अहम किरदार ही पुलिस का होता है। जिस तरह से शहर और अतराफ में बढ़ता जुर्म का दायरा, इस पर लोगों की राय भी जानने की कोशिश की तो माशरे में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, बंद होती कंपनियां, फैक्ट्रियां, ठप कारोबार तो असल वजह है ही, लेकिन कुछ लोगों ने इंतजामिया पर भी सवाल उठाए। इंतजामिया कहीं तो सरकारी दबाव के साथ पैसे वालों की तरफ झुकाव देखा जाता है। अगर मुजरिम पैसे वाला है तो फिर उसके साथ नरम रवैया पुलिस का होता है, और गरीब होता है तो इस पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ईमानदारी से पुलिस कार्रवाई होने लगे तो जिस तरह बेलगाम में गैंगवार खत्म हुआ था उसी तरह सुपारी किलर्स भी डर जाएंगे। लोग जुर्म का रास्ता छोड़कर सही रास्तों पर चलने की कोशिश जरूर करेंगे। इन तमाम के पीछे हुकूमतों की भी कोशिश जरूरी है, पर शायद अब माशरे के समाजी मसाइल पर हुकूमतें संजीदा है या नहीं समझ में नहीं आता, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर सवाल करने के लिए आपको मजहबी तशद्दुद और हिंदू मुस्लिम मसाइल में उलझाया जा रहा है, और शायद यही जुर्म के बढ़ने की असल वजह हो सकती है। ना सिर्फ बेलगाम बल्कि मुल्क की सतह पर जुर्म का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अकलियती माशरे के घरों पर बुलडोजर चलाने की फिक्र में माशरे का अक्सरियत तबका दिगर रोजमर्रा के मसाइल से भी परेशान है। शायद ये हुकूमत भूलती जा रही है, जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। बहरहाल बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ती कत्ल की वारदातें पुलिस के लिए चुनौती जरूर साबित हो रही है। वैसे बेलगाम का बारिश भी काफी मशहूर है, और जब आसमान से पानी बरसने लगता है तो कॉरपोरेशन और सरकारी मौकमा भी फिक्र में मुलविस होने लगते हैं। अब असल बारिश की शुरुआत हुई है ऐसा लग रहा है। आज पूरे दिन भर में बारिश जमकर बरसी। जाहिर है कुछ इलाकों में पानी जमना शुरू हुआ है। पुरानी पीबी रोड ब्रिज के नीचे तकरीबन दुकानों में ड्रेनेज का पानी दाखिल होने का नजारा देखने को मिल रहा था। इसी तरह शहर में अलग अलग जगहों पर पानी जमने की तलाश हासिल हुई। महाराष्ट्र में तूफानी बारिश का असर कर्नाटक और खासकर बेलगाम जिलों पर देखा जा रहा है। महज एक ही रात में महाराष्ट्र में हो रही बारिश का असर चिक्कोडी और अतराफ के गांव में नदी का पानी अचानक बढ़ने से देखा जा रहा है। कई पुल सिर्फ एक ही दिन के पानी से डूबते नजर आ रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।